आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दूंगा नरेगा मेट से संबंधित। यदि आप नरेगा मेट हैं या ग्राम पंचायत में रहते हैं, या आप मेट नहीं भी हैं और आप ये जानना चाहते हैं मेट से संबंधित इम्पोर्टेंट नॉलेज, तो आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा काम साइट पर निरीक्षण करने यदि कोई अधिकारी जो है वो आपकी नरेगा काम साइट पर आता है, तो उस समय आपको बतौर नरेगा मेट कौन कौन सी सावधानियाँ जो है वो रखनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी प्रकार की समस्या में या प्रॉब्लम में ना पड़े। या उच्च अधिकारियों का जो है वो आपको गुस्से का या किसी भी प्रकार के गुस्से का शिकार या नाराज़गी का शिकार ना होना पड़े। जैसे सब इंजीनियर यदि आते हैं, CEO साहब आते हैं, PCO साहब आते हैं, BDO साहब आते हैं, या MLA साहब भी कभी पहुँच जाते हैं निरीक्षण करने, तो आपको काम साइट में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या ऐसे कार्य आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप इस वीडियो में। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि मैं किसी भी वीडियो में कोई जानकारी आपको देता हूं तो पूरी फुल डिटेल देता हूं, जानकारी सारी जानकारी देता हूं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित। तो आप थोड़ा संयम बना के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेगा काम साइट का निरीक्षण करने जब कोई अधिकारी आते हैं तो मनरेगा मेट को किन किन बातों का ध्यान रखना जो है वो आवश्यक होता है, जिससे उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो इस विषय में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, नरेगा मेट के द्वारा निम्न सावधानियाँ जो है वो रखी जानी चाहिए, जिनका विवरण जो है वो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहली सावधानियाँ जो है वो आपको ये रखी जानी चाहिए कि जब जब जो है वो नरेगा के काम साइट पर कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आए, तब मेट को साइट पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना है। देखिए, जब भी कोई अधिकारी PCO या सब इंजीनियर वगैरह आपके नरेगा साइट पर निरीक्षण के लिए आते हैं, तो आपको वहां पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। आपको ऐसा नहीं है कि वो निरीक्षण के लिए आए तब आप उनको गैर हाजिर मिले या गैर मौजूद मिले, जिससे कि एक लापरवाही का मैसेज जाता है फ्रेंड्स। तो आपको वहाँ पर उपस्थित होना आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वहाँ पर उपस्थित कोशिश कीजिएगा कि उपस्थित आप वहाँ उनको मिले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगला जो है वो सेकंड हमारा जो है वो सावधानी है, वो यह है कि मेट के पास एक रजिस्टर जो है वो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, पक्का मस्टर रोल होना चाहिए, मापन के लिए टेप एवं पेन होना आवश्यक है, यदि संभव हो तो फर्स्ट एड बॉक्स भी आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल मैं जो दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, सर्कुलर में लिखी हुई है कि आपके पास जो है वो रजिस्टर एक होना चाहिए जिसमें कि खंती वगैरह की माप लिखी हो, पक्का मस्टर होना चाहिए जिसमें मजदूरों की हाजिरी वगैरह फिल हो, उसके बाद माप के लिए एक टेप होना आवश्यक है और एक पेन। फ्रेंड्स, इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि ये एक माइनर चीज़ है जो हर किसी के पास लगभग होती है, कुछ के पास नहीं भी होती, इसलिए आप इसे नोटिस कर लीजिए। और उसके बाद यदि आवश्यक हो तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रख लेना है। टेप आप इस तरह का रख सकते हैं, एक रजिस्टर आपको रख लेना है, फर्स्ट एड बॉक्स की एक पेटी आती है आपको इसको रख लेना है, और आपके पास पक्का मस्टर होना चाहिए, जितने दिन काम लग चुके हैं उतने दिन फिल के साथ फिल हाजिरी वाला। उसके बाद अगली सावधानी हम देख सकते हैं, या अगला जो है वो काम आपको ये करना चाहिए कि जिस साइट पर काम चल रहा हो आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। तीसरी सावधानी जो यह है कि जिस भी साइट पर काम चल रहा हो, यानी कि जहाँ भी निर्माण काम चल रहा हो, चाहे कोई नहर का काम हो, नाला संवर्धन का कार्य हो, या कोई सूक्ष्म सिंचाई रिलेटेड कार्य हो, आपको उस कार्य के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, कितना रुपए सेंक्शन है, ये बेसिक जानकारी उस काम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो चौथी सावधानियाँ हैं वो यह है कि जब कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आए, तब काम साइट पर कोई आपको आवयस्क से कम आयु 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है वो कार पे नहीं लगाना है। कई बार होता है फ्रेंड्स ये गाँव स्तर में कि हम गाँव स्तर के हिसाब से किसी आवयस्क को भी कार पर लगा लेते हैं जो कि 16-17 साल का होता है। तो जब कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आए तो आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, ये बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है, इससे के लिए दंडात्मक कार्रवाई होती है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है, इसलिए आपको 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों को कार्य पर नहीं लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा। बाकी दिन आप चला सकते हैं, लेकिन जब आपको खबर मिले कि किसी दिन अधिकारी निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो आपको फ्रेंड्स निश्चित रूप से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाना है, और हो सके संभव तो फ्रेंड्स बाकी दिन भी नहीं लगाना है। उसके बाद अगला जो पांचवी सावधानी आपको रखनी है कि आपके पास पक्का मस्टर रोल होना चाहिए एवं जितने दिन काम चल चुका है उतने दिन के पक्के मस्टर रोल पर हाजिरी फिल होनी चाहिए। फ्रेंड, जिस भी काम में मजदूर काम कर रहे हो उसका पक्का मस्टर रोल जो है वो आपके पास होना चाहिए, और जितने भी दिन काम चल चुका है, सपोज दैट काम 1 तारीख से हुआ है,
और अधिकारी 4 तारीख को निरीक्षण के लिए आए हैं, तो बाकी के जो 3 दिन हैं उन 3 दिन की हाजिरी उस पक्के मस्टर रोल पे फिल होना चाहिए उस दिनांक तक की जिस दिनांक तक जो है वो काम चल चुका है। आपको कच्चे मस्टर रोल पे हाजिरी फिल नहीं करना है, आप अपनी जानकारी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन लीगली ये फ्रेंड्स इनलीगल है। लीगली आपको पक्के मस्टर पर ही हाजिरी फिल करना होता है, ये सब सर्कुलर में फ्रेंड्स मेंशन है। और उसके बाद जो 6th नंबर के जो सावधानियां हैं या 6th नंबर का जो सर्कुलर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। काम आपको किसी अब्जीदार मजदूर यानी कि किसी दूसरे मजदूर के नाम पर किसी अन्य मजदूर को कार्य पर नहीं लगाना है। सपोज दैट फ्रेंड्स होता ये है कि मान लीजिए कोई ये मजदूर है, उसके 100 दिन पूरे फुल हो गए, और मान लीजिए किसी डी मजदूर का जॉब कार्ड खाली है, तो ये मजदूर इनसे कॉन्टेक्ट कर लेता है कि भाई हम आपके जॉब कार्ड पर काम करेंगे और पैसा आप हमें दे देना। तो आपको ऐसा नहीं करवाना है फ्रेंड्स, ये लीगली जो है वो सही नहीं है, ये अवैध है किसी अर्जीदार को दूसरे कार्ड पर काम पे लगाना। आपको इस चीज़ों से बचना है फ्रेंड्स, इन चीज़ों से आपको करने से बचना है ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। उसके बाद जो अगली सावधानियां हैं वो यह है 7th नंबर के कि सभी मजदूरों को काम निर्धारित मापदंड के अनुसार माप कर देना है। सभी मजदूरों को जो है फ्रेंड्स आपको काम माप कर देना है, ऐसा नहीं कि किसी मजदूर को हल्के काम में लगा दिए, किसी मजदूर को आपने भारी काम पे लगा दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी प्रकार का भेदभाव, सभी को आप जितनी भी खंती देते हैं, जैसे यदि 10x10 की खंती देते हैं तो आपको सभी को इसी मापदंड के अनुसार देना है, किसी के साथ कोई भेदभाव आपको नहीं करना है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगला जो है वो हमारा अगली सावधानियाँ हैं जो कि आपको रखनी चाहिए जिससे आपको कोई समस्या ना हो, वो यह है कि आपको खंती मापते आना चाहिए फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी मेटों को जो है वो खंती की माप वगैरह जो है वो माप करते नहीं आती है, तो ये बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। आप एक मेट हैं, थोड़ा सा आपको जो है वो टेक्निकल काम भी करना होता है, जैसे कि मजदूरों को खंती माप के देना होता है, तो आपको कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि खंती मापते आपको आना चाहिए। मान लीजिए सब इंजीनियर साहब साइड पर आपका निरीक्षण करने पहुँच गए और आपसे जो माप का टेप होता है, मेजरिंग टेप, उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगने लगे और आप उन्हें नहीं बता पाए, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी दुखद बात होगी, काफ़ी शर्म वाली बात होगी कि आपको टेप के बारे में भी बेसिक डिटेल नहीं है, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो आप कम से कम इतना तो मालूम ही कर लीजिए कि टेप के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल आपको यदि पता हो तो अच्छा है, नहीं हो तो आप किसी से भी ले सकते हैं डिटेल। तो इस तरह से अगला जो है वो फ्रेंड्स सावधानियाँ हैं 9वें नंबर की कि कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे माप टेप का नॉलेज भी चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको मेजरिंग टेप के बारे में बेसिक मालूम डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स कार्यस्थल पर जो अधिकारी हैं वो आपसे जो माप का जो टेप टैप होता है उसके बारे में आपसे जो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उस विषय में पूछ सकते हैं कि खंती वगैरह कैसे नापते हैं, उसमें मीटर का, इंच का, सेंटीमीटर का, फिट का आपको निशान पूछ सकते हैं और भी डिटेल टेप के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको उससे संबंधित डिटेल जो है वो मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो अगला हमारी सावधानियां हैं वो यह है फ्रेंड्स 10th नंबर की कि आप कौन से एक अच्छी लैंग्वेज और सभ्यता से बात करना है। देखिए आपको उनसे फ्रेंड्स एक अच्छी लैंग्वेज से यानी कि अच्छी थोड़ी सभ्यता वाली लैंग्वेज से आपको पोलाइटली उनसे बात करना है, विनम्र रूप से, किसी भी बात पे आपको चिढ़ना नहीं है या आपको रफ भाषा में जो है वो बात उनसे नहीं करना है, किसी भी प्रकार की रफ भाषा में का या अमर्यादित या असभ्य भाषा का आपको उनसे उपयोग नहीं करना है, आपको एक सभ्य भाषा का जो है वो उपयोग करना है, आपको इस तरह से उनसे बात करनी है। बॉडी लैंग्वेज का भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल दूंगा और इससे संबंधित और भी जानकारी आपको मैं भविष्य में देता रहूंगा, और यदि आपको किसी और विषय पे जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं, मैं उसके लिए फ्रेंड्स तैयार हूँ। और जो 11th नंबर का अगला जो है सावधानियाँ वह यह है कि यदि वह आपसे किसी विषय पर सुझाव दें या बोलें कि यह काम इस तरह से होना चाहिए, तो उन्हें आप जी इस करके बोलेंगे, सर हो जाएगा, ये सर बोलना है आपको। देखिए यदि वो काम के बारे में या मजदूरों के बारे में आपसे कोई सुझाव देते हैं कि इस काम को इस तरह से करवाइए, तो आपको जो है वो फ्रेंड्स उसको मानना है, आपको बोलना है कि जी सर हो जाएगा इस तरह का काम। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि ये नहीं हो पाएगा या ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको बोलना है जी सर हो जाएगा, और उनके सुझावों को आपको मानना है और हो सके तो उन्हें अप्लाई भी करना है, चूँकि वे आपसे सीनियर होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको लगभग 11 पॉइंट में ये सारी जानकारी देने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया ही होगा। और तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो
अंत करने से पहले, वीडियो एंड करने से पहले, कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में मिलते रहे। तो चलिए।